चैनल, मेरा नाम है मनु अग्रवाल और इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड असिस्टेंस। सो दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ सपोर्ट एंड असिस्टेंस कोर्स। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जाके, तो मैंने उसका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड असिस्टेंस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उन्हें वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से तरह के सपोर्ट एंड असिस्टेंस हो सकते हैं। So the types of support and assistance. सो सबसे कॉमन और सबसे बेसिक तरीका जो होता है सपोर्ट एंड असिस्टेंस का, वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके आप बहुत ही आसानी से सपोर्ट और असिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको देखना है कि कहाँ पर प्राइजेस रेसिस्टेंस ले रहे हैं, कहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, कहाँ पे क्लस्टर बना रहे हैं, वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हो सकता है मूविंग एवरेजेस। सो मूविंग एवरेजेस भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट और असिस्टेंस का काम करते हैं। थर्ड बात करें तो ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस ऑल्सो एक्ट एज अ गुड सपोर्ट और गुड असिस्टेंस। फिबोनाची ड्रॉ करके आप सपोर्ट और असिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। फिबोनाची भी आपको सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। फिफ्थ, राउंड नंबर्स। सो राउंड नंबर्स भी एक तरह का सपोर्ट और असिस्टेंस आपको बताता है। सेवेंथ, मार्केट गैप्स। मार्केट गैप्स भी सपोर्ट और असिस्टेंस का काम करते हैं। कई बार मार्केट गैप अप खुलता है, कई बार गैप डाउन खुलता है, तो वो जो गैप्स क्रिएट होते हैं वो भी सपोर्ट और असिस्टेंस का काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में, मूविंग एवरेजेस के बारे में, ट्रेंड लाइंस के बारे में, फिबोनाची, राउंड नंबर्स एंड मार्केट गैप। इनको हम वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस की। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस। यू नो, ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। मोस्टली ट्रेडर्स हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ करते हैं सपोर्ट और असिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। अब इनको जो ड्रॉ करना होता है वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे कोई डिफाइंड रूल्स नहीं होते हैं, आपको खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप ड्रॉ करते हो। सो इट कम्स विद प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही यहाँ पे इम्प्रूव करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सो मान लीजिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस, कुछ लोग जो होते हैं हाई और लो पॉइंट को कनेक्ट करके हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ओके, सम पीपल ड्रॉ इट यूजिंग क्लोज प्राइजेस। ओके, सो अब इसमें से कौन सा तरीका सही होता है, ये काफ़ी ज़्यादा डिबेट वाला इशू हो जाता है कि हमें क्लोज प्राइस को कनेक्ट करके हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए या फिर हाई और लो को कनेक्ट करके हमें ड्रॉ करनी चाहिए। तो गाइस, इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। आपको ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है जो मैक्सिमम कैंडल स्टिक्स को टच करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमने हाइस को कनेक्ट करके ड्रॉ करी थी वो केवल यहाँ पे दो कैंडल्स को टच कर रही है, और आप अगर यहाँ पे जो हमने क्लोज पॉइंट को टच करके करी थी वो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कैंडल्स के बीच में जा रही है। तो हम कुछ इस तरह की ड्रॉ कर सकते हैं जो मैक्सिमम कैंडल स्टिक को टच कर रही है। आप देखिए, जो ब्लू लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है ये मैक्सिमम कैंडल्स को यहाँ पर टच करे। उसी तरह से हम नीचे भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो मैक्सिमम कैंडल्स को टच करे। इसे हम बेस्ट फिट लाइन भी कहते हैं।
सो इट कम विथ अ प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके सपोर्ट और असिस्टेंस को फाइंड आउट कर पाएंगे. सो हॉरिजॉन्टल लाइंस में इतना ही है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी है इनको ड्रॉ करना, बहुत अच्छे से काम भी करती है. मोस्टली ट्रेडर्स अगर आप बात करें, चाहे बिगनर्स हो चाहे प्रोफेशनल हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस को यूज़ करते हैं. ओके, सो अब बात कर लेते हैं मूविंग एवरेजेस की. सो मूविंग एवरेजेस जो होते हैं वो डायनामिक सपोर्ट्स होते हैं, डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेसिस्टेंस होते हैं. प्राइजेस जब मूविंग एवरेजेस के ऊपर होते हैं तो वो सपोर्ट का काम करते हैं, और प्राइजेस जब मूविंग एवरेजेस के नीचे होते हैं तो मूविंग एवरेजेस रेसिस्टेंस का काम करते हैं. ओके, सो मूविंग एवरेजेस और डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्यों होते हैं, क्योंकि इट मूव्स विद द प्राइस. आपका प्राइस जैसे ऊपर जाएगा मूविंग एवरेज भी उसी की तरह ऊपर जाएगा. अगर प्राइजेस नीचे जा रहे हैं तो आपका मूविंग एवरेज भी नीचे जाएगा. ओके, सो जैसे जैसे प्राइजेस ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपका जो सपोर्ट लेवल्स है वो शिफ्ट होता जाता है ऊपर की तरफ. और इसी तरह रेसिस्टेंस के केस में जैसे जैसे प्राइजेस नीचे जाते हैं वैसे वैसे आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस नीचे और शिफ्ट होता जाता है. तो इस तरह से मूविंग एवरेजेस जो होते हैं वो डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करते हैं. अब प्राइजेस अगर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अगर प्राइजेस मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करें तो मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट का काम करता है, और प्राइजेस अगर मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस रेसिस्टेंस का काम करते हैं. तो जब भी प्राइजेस मूविंग एवरेजेस के पास आते हैं वहाँ से फिर से गिरना शुरू कर देते हैं इन केस ऑफ रेसिस्टेंस, और सपोर्ट के केस में वो वहाँ पे फिर से बढ़ना शुरू करते हैं. तो इस तरह से मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करते हैं. यहाँ पे आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं. आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी प्राइजेस जो हैं मूविंग एवरेजेस के पास आते हैं तो वहाँ पे सपोर्ट के केस में आपको देखना है मूविंग एवरेजेस के पास बुलिश कैंडल बननी चाहिए. कोई भी बुलिश कैंडल सपोर्ट के पास यहाँ पर बननी चाहिए. मूविंग एवरेज जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है उसके आसपास बुलिश कैंडल बननी चाहिए. साथ में मूविंग एवरेजेस का जो स्लोप है वो अप स्लोप होना चाहिए. ओके, मूविंग जो भी आपका मूविंग एवरेज है इट शुड बी स्लोपिंग अपवर्ड्स. ओके, उसी तरह से अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो प्राइजेस जो हैं मूविंग एवरेजेस के नीचे होने चाहिए. ओके, और जैसे ही प्राइजेस रेसिस्टेंस के पास आते हैं मूविंग एवरेज रेसिस्टेंस के आसपास वहाँ पे अगर बियरिश कैंडल फॉर्म करेंगे तो वहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलेगी. ओके, और साथ में मूविंग एवरेज जो है वो डाउन स्लोपिंग होना चाहिए, नीचे की तरफ वो स्लोप करना चाहिए. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने की. और उसके बेसिस पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो केवल मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं. ओके, सो इसमें मैं डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ. मैं आपको केवल 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में बता देती हूँ. सो 50 डे मूविंग एवरेज ऐसा है कि प्राइजेस यूजुअली काफ़ी बार इसको टेस्ट करते हैं. ओके, सो आपको काफ़ी सारे ट्रेड्स मिल सकते हैं 50 डे मूविंग एवरेज के लिए, स्पेशली स्विंग ट्रेड्स और पोजिशनल ट्रेड्स. 200 डे मूविंग जो एवरेज है प्राइजेस बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं करते हैं. तो ये यूजुअली इम्पॉर्टेंट होता है जब आप इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि मूविंग 200 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है या फिर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करता है. तो जब भी प्राइजेस यूजुअली इसके आसपास आते हैं वहाँ पे यूजुअली अगर गिरावट है तो वहाँ पे डाउन ट्रेंड ख़त्म होता हुआ आता है, या फिर अगर आपका अप ट्रेंड है तो वहाँ पे वो तेज़ी ख़त्म होते हुए नज़र आती है. तो मूविंग एवरेज 200 डे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करता है,
और 50-day मूविंग एवरेजेस एक इंटरमीडिएट ट्रेंड में काम आता है, जहाँ पे आप पोजिशनल और स्विंग ट्रेड्स को ढूंढ सकते हैं. सो प्राइजेस यूजुअली 50-day मूविंग एवरेजेस को बार बार टेस्ट करता है. प्राइजेस जब भी 50-day मूविंग एवरेजेस से दूर जाता है तो उस केस में दो चीज़ें होती हैं, या तो प्राइजेस करेक्ट करते हैं या फिर प्राइजेस साइडवेज हो जाते हैं. तो उस केस में धीरे धीरे मूविंग एवरेजेस प्राइस के आसपास पहुँच जाते हैं. तो 50-day मूविंग एवरेज यूजुअली प्राइजेस रीटेस्ट करते हैं, आपको काफ़ी सारे ट्रेड्स 50-day मूविंग एवरेज के बेसिस पे मिल जाते हैं. ओके, सो अब बात कर लेते हैं फिबोनाची की. सो फिबोनाची से भी आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. फिबोनाची 23.6, 38%, 50%, 61.8%. सो दीज आर द रेशियोज विच एक्ट एज अ सपोर्ट. ओके, अप ट्रेंड की बात करें और रेसिस्टेंस की बात करें, तो अगर डाउन ट्रेंड में है तो यही लेवल रेसिस्टेंस का काम करेंगे. सिमिलरली 6.1 एक इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है, इसको हम गोल्डन रेशियो भी कहते हैं. यूजुअली अगर अप ट्रेंड का स्टॉक है तो ये एरिया ऐसा होता है जहाँ पे जो रिट्रेसमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ से यूजुअली हमें रिवर्सल फिर से देखने को मिलता है. तो प्राइजेस जो हैं, अगर अप ट्रेंड का स्टॉक है तो 61.8% इसके नीचे नहीं जाने चाहिए. अगर इसके नीचे जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे स्टॉक में रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा हैं. उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि 61.8% ये एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है, प्राइसेस को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए अगर अप ट्रेंड का स्टॉक है. और अगर डाउन ट्रेंड का स्टॉक है तो 61.8 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. यूजुअली जो अच्छे स्टॉक होते हैं, जो ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं, वो 38% और 50% में ही अपना मूव कंप्लीट कर लेते हैं. यहीं से हमें दोबारा से इनमें रिकवरी देखने को मिल जाती है. तो आपको ज़्यादातर ट्रेड्स जो मिलेंगे वो 38% से लेके 50% में मिलेंगे. ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करता है. अगर प्राइजेस यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखना है, बुलिश कैंडल्स से कंफर्मेशन आप ले सकते हैं, इंडिकेटर्स से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, साथ में मूविंग एवरेजेस से ले सकते हैं, ट्रेंड लाइन से ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल. अगर वहाँ पे आपको कन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल कि आपके फिबोनाची लेवल्स और हॉरिजॉन्टल लाइन्स आपको अगर सेम सपोर्ट और सेम रेसिस्टेंस दे रहे हैं, तो वो एक डबल कन्फर्मेशन यहाँ पे मानी जाएगी. और वो जो सपोर्ट्स आप फाइंड आउट करेंगे, रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स होंगे. ओके, सो इस तरह से आप कोई भी और इंडिकेटर, हो सकता है यहाँ पे फिबोनाची और मूविंग एवरेजेस कन्फर्म कर रहे हो, या फिबोनाची प्लस ट्रेंड लाइंस कन्फर्म कर रहे हो. सो कोई भी एडिट आपको कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है, जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं. ओके, सो अब तक हमने बात करी हॉरिजॉन्टल लाइंस की, मूविंग एवरेजेस की, फिबोनाची की, अब बात करते हैं हम ट्रेंड लाइंस की. ओके, सो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक कम्प्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगी. करीब आधे घंटे का वो वीडियो है, डिटेल में मैंने बनाया, आप जाके देख सकते हैं. मैंने उसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि ट्रेंड लाइन को हमें कैसे ड्रॉ करना है इफेक्टिवली और सही तरीके से हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कि हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है. इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइन कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है. तो आप सभी को पता है कि 2 पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए. सपोर्ट के केस में वी कनेक्ट लोज, और रेसिस्टेंस के केस में वी कनेक्ट हाइज. ओके, सो इस तरह से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. यहाँ भी मूविंग एवरेजेस की तरह ही होता है कि जब आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, प्राइसेस जब भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आते हैं, तो आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल से कंफर्मेशन आप ले सकते हैं. ओके, अगर आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं तो इंडिकेटर्स से भी कंफर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर अगर आप मूविंग एवरेजेस साथ में यूज़ कर रहे हैं और मूविंग एवरेज भी यहाँ पर
इसी के आसपास है मूविंग एवरेज सपोर्ट, तो मूविंग एवरेज भी आपको कंफर्म कर रहा है, या हॉरिजॉन्टल लाइंस, या फिर एनी अदर फॉर्म ऑफ सपोर्ट और रेसिस्टेंस. ओके, सो बेसिकली आपको डबल कंफर्मेशन मिल रही है, तो सपोर्ट स्ट्रांग होता है. आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइंस भी कंफर्म कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कंफर्म कर रही है, तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐड नहीं करिए कि आप यहाँ पे मूविंग एवरेज भी ड्रॉ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर रहे हैं, फिबोनाची भी ड्रॉ कर रहे हैं. कहने का मतलब है कि आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके साथ अगर कुछ एडिशनल आपको मिलता है, आप कोई भी एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर बेटर कन्फर्मेशन होती है और बेटर लेवल्स आप फाइंड आउट कर पाते हैं. तो ट्रेंड लाइंस में इतने ही है कि ट्रेंड लाइंस भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती हैं. जब भी प्राइसेस उसके आसपास आए, सपोर्ट के केस में बुलिश कैंडल बननी चाहिए और रेसिस्टेंस के केस में बेयरिश कैंडल बननी चाहिए. कंफर्मेशन आप ले सकते हैं इंडिकेटर्स से या बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, मूविंग एवरेज, फिबोनाची, जो भी आप यहाँ पर चाहें. ओके, सो अब बात करते हैं राउंड नंबर्स के बारे में. सो राउंड नंबर्स बेसिकली इनविजिबल सपोर्ट और असिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं. ये चार्ट्स पे आपको दिखाई नहीं देते, बट यूजुअली जैसे 100 के जो मल्टीपल्स होते हैं, 100, 1000, 2000, ओके, ये एक राउंड नंबर्स हैं. और राउंड नंबर्स जब भी प्राइसेस इनके आसपास आते हैं, तो यहाँ पे हमें यूजुअली एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है. प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट लेते हैं, अटकते हुए नज़र आते हैं. तो जो भी राउंड नंबर्स हो सकते हैं वहाँ पर प्राइसेस रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट ले सकते हैं. तो बेसिकली जो भी राउंड नंबर्स होते हैं, 50 का मल्टीपल आप ले सकते हैं, 100 का मल्टीपल आप ले सकते हैं, और 1000 का मल्टीपल आप ले सकते हैं. सो राउंड नंबर्स भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करते हैं. लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं मार्केट गैप्स के बारे में. सो मार्केट गैप्स भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करते हैं. तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ओके, उसको हम कहते हैं राइजिंग गैप्स. ओके, राइजिंग गैप्स सपोर्ट का काम करते हैं. और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो वहाँ पर क्रिएट होते हैं फॉलिंग गैप्स. फॉलिंग गैप्स रेसिस्टेंस का काम करते हैं. ओके, सो अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्राइसेस जब भी ये गैप यहाँ पे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन हुआ है, तो ये जो यहाँ पे गैप हुआ है, प्राइसेस रिट्रेस करते हैं, फिर तेज़ी दिखाते हैं. हर बार ऐसा नहीं होता, बट यूजुअली हमने ऐसा देखा है. तो ये जो गैप एरिया क्रिएट होते हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं. ओके, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करते हैं. राइजिंग गैप सपोर्ट का काम करते हैं, फॉलिंग गैप रेसिस्टेंस का काम करते हैं. ये जो गैप्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते. ओके, सो बाकी सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ये काम करते हैं, बट बाकी अगर हम कंपेयर करें, बाकी सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ये उतने स्ट्रांग नहीं होते. काम करते हैं, बट अक्सर यहाँ पे ये लेवल्स टूट जाते हैं या फिर प्राइसेस उनको फिल करता हुआ नज़र आता है. सो ये कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के टाइप्स थे, हॉरिजॉन्टल लाइंस, मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, राउंड नंबर्स और मार्केट गैप्स, जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर करते हैं. आप इनको यूज़ करके सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करके अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे अपने रोल चेंज करते हैं. ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें. आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.